जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। प्यारे दोस्त, फाइनली आज हम यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और यूनिवर्सिटी इस मकसद से आए थे कि मेरा जो सत्र 15-18 का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप था वो खो गया था, अर्थात गुम हो गया था, तो मैं यूनिवर्सिटी आया था। और यूनिवर्सिटी में मैंने जो जो प्रक्रिया किया उस स्लिप के लेने के लिए, और वो मुझे कितने दिन का समय दिया, और साथ ही साथ वो मुझे क्या क्या कहा, वो सभी मैं आप लोगों के बीच कि कहाँ कहाँ आप लोगों को जाना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी डिग्री का जो भी चीज़ आपका खो गया है या सुधार करवाना है, सभी चीज़ के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। और अभी जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये प्रोसेस रहेगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपका कोई चीज़ खो गया है, तो डुप्लीकेट कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा प्रति कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में मैं इसमें फुल डिटेल बताऊंगा। और जो भी काम है, अगर आप आते हैं, चाहे वो अगर रिजल्ट आपका खराब गया है तो आप चैलेंज करने के लिए आते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन के लिए भी वही प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ वो सभी के लिए डिपेंड करता है। और आप लोगों को बता दूँ कि आपका कोई भी चीज़ खो गया है या नहीं खोया है, आप नया लेना चाहते हैं, तो यहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कौन से चीज़ में आपको कितना समय लगेगा लेने में, और कितने दिनों में आपको दे देगा, और क्या क्या प्रक्रिया है वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए, अभी थोड़ा धूप है तो मैं तो गर्मी से अभी परेशान हूँ, फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को उस महान व्यक्ति का स्मृति दिखा रहा हूँ जिसके चलते हम लोग आज किसी दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, और उसी आदमी के नाम से जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है, देख सकते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो मैं आप लोगों को स्मृति जो दिखा रहा हूँ वो देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी पूर्व रेल मंत्री जो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी है, यहाँ पे उसका स्मृति दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे तरफ से इस महान व्यक्ति को मेरे दिल से धन्यवाद। आगे जो देख सकते हैं, आगे का दृश्य में चलते हैं, और यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे सभी भाषा में लिखा रहेगा आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इस प्रकार से रहेंगे आपको। और ये जो पहला मकान देख रहा है वो DSW का मकान है, और इसमें DSW का जो भी काम होता है वो यहाँ से आपको पूरा इंक्वायरी यहीं से दिया जाता है। तो मैं DSW के गेट तक ज़रूर जाऊँगा, बाकी का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को DSW के माध्यम से कैसे मिलता है इस चीज़ के बारे में जानकारी है ही, और नहीं जानकारी है तो फिर भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि DSW में कौन कौन सा काम होता है। तो आप लोगों को पहले भी मैं बताया था, फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो चलिए मैं DSW का देखता हूँ, गेट अगर खुला रहेगा। इससे पहले मैं गया था तो गेट खुला था, लेकिन अब मैं जाकर देख लेता हूँ कि आप लोगों का। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोगों जो है यहाँ पर आते हैं, तो देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है DSW के ऑफिस में आए हुए, और ये जो है DSW का गेट है। तो आप लोगों को मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर DSW का काम हो तो आप यहाँ से करा सकते हैं। और चलिए, ये जो है परीक्षा विभाग है, आगे जो देख रहे हैं आप परीक्षा विभाग है, और यहाँ जो है परीक्षा विभाग का सभी काम कराया जाता है। और देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ आपको लेना है तो सबसे पहले आपको 5 रुपये का फॉर्म लेना पड़ता है। तो चलिए फॉर्म कहाँ से लिया जाता है इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो 5 रुपये का फॉर्म कहाँ से लेना है, तो देख सकते हैं कि मैं जो हूँ वीडियो को आप ही लोगों के बीच दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगल बगल दृश्य से आप जान जाएगा कि कहाँ जाना है। तो आप लोग अगल बगल के दृश्य से ही देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे आना है, पीछे का दृश्य भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए कहाँ से आना है, डायरेक्ट है, रास्ता साफ है। तो चलिए, और यहाँ से देख सकते हैं एक और दृश्य आपको कितना अच्छा देखने को मिल जाएगा, कितना अच्छा दृश्य आपको देख सकते हैं यहाँ से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला,
यहाँ से आपको 5 रुपये का फॉर्म लेना है सभी डॉक्यूमेंट के लिए, और जितना डॉक्यूमेंट आप लेना चाहेंगे यहाँ से, चाहे वो डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल हो, तो आपको उतना फॉर्म 5 रुपये का लेना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग चलते रहिए। तो देखिए ये आपको रास्ता मिल जाएगा 5 रुपये का फॉर्म लेने के लिए, इधर से जाइएगा और यहाँ पे सर लोग बैठे रहते हैं। यहाँ पे जनरल स्टोर लिखा रहेगा आपको, उसके बाद आपको आना है और अब यहाँ पे लिखा रहेगा पीजी सेल्स काउंटर। तो यहाँ पे आकर के आप सर से, देख सकते हैं सर बैठे हुए, सर से 5 रुपये का फॉर्म ले लीजिएगा और उसमें सही सही भर के आप जो भी डॉक्यूमेंट हरा गया है या खो गया है तो आप यहाँ से फॉर्म ले करके उसके बाद भर करके आप लोग कहाँ जाना है आगे में इसके बारे में पड़ेगा। सर डुप्लीकेट जो भी चीज़ लेना पड़ेगा या ओरिजिनल लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? वो फॉर्म 5 रुपया वाला लेकर के, यही फॉर्म है ना सर? हाँ। यही फॉर्म है और इसमें और सब आवश्यक निर्देश दिया हुआ है, जिसमें मार्कशीट, एडमिट कार्ड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जेरोक्स, माइग्रेशन में CLC का जेरोक्स भी लगता है जी, इसके अतिरिक्त और परीक्षा विभाग काउंटर नंबर 1 ऑर्डर करता है, PLV के बगल में जनरल कैश काउंटर है, उसका स्लिप वहाँ जमा होता है जी, और समय के अनुसार वो जैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टाइम देता है जी। देखते हैं जो भी जानकारी है वो फॉर्म पे दिया गया है, चूंकि मैं फॉर्म पहले ले चुका हूँ, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। तो देख सकते हैं सर कितने अच्छे हैं, जो सर सभी जानकारी सही सही बताते हैं। इससे पहले मैं आया था सर के पास तो सर यही चीज बताया था, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए सर ने बता दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। 5 रुपये का फॉर्म लेने के बाद आपको सही तरह से भर देना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो लिखा गया है वो तो मिलवे करेगा, और इसके बाद अतिरिक्त आप जो लेना चाहते हैं वो यहाँ पे वांछित प्रमाण पत्र का नाम, आप जो भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? ऊपर में जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे उसको आप ऊपर में लिख दीजिएगा। उसके बाद पूरा जानकारी आपको है कि आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना है, उनके पिताजी का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, ललित मिथिला विश्वविद्यालय के पंजीयन संख्या और पंजीयन वर्ष लिखना है, उसके बाद विश्वविद्यालय का परीक्षा का नाम, तो विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, BA BSc BCOM से जो भी परीक्षा कर रहे हैं वो, उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षा का क्रमांक, तो आप यहाँ पे क्रमांक लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो लिख सकते हैं, उसके बाद संकाय का नाम, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी स्ट्रीम से है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा विषय के नाम, अगर आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ का लिखिएगा, मतलब ऑनर्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद आपका सेशन क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी सेशन से आपको जो भी लेना है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए परीक्षा का वर्ष, तो लास्ट टाइम किस वर्ष आप एग्जाम दिए थे तो इस बार इस पर लिख देना है आपको। उसके बाद महाविद्यालय या स्नातकोत्तर विभाग का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर आप जिस भी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PG PhD कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है, इसके बाद डेट दे देना है कि किस दिन को हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसमें आपको नहीं भरना है, आपको इसको लेकर के अब जाना है कहाँ पे, तो आवश्यक निर्देश जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है वो 1 नंबर में आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जाना है परीक्षा विभाग, तो परीक्षा विभाग के उत्तर साइड में आपको मिलेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काउंटर जिसपे ये काम किया जाता है, तो आपको जाना है 1 नंबर काउंटर पे, 1 नंबर काउंटर पे आपको इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि इस पे 1 नंबर काउंटर पे जाइएगा तो उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा शुल्क कि क्या चीज़ के लिए लेना चाहते हैं, उसके बाद वो सिग्नेचर कर देंगे अधिकारी, और अधिकारी सिग्नेचर करने के बाद वो कितने क्या चीज़ लेना चाहते हैं उसका कितना शुल्क है वो यहाँ पे लिख देगा, अगर 100 पंजीयन लेना चाहते हैं तो पंजीयन के लिए 100 रुपया शुल्क है तो वो 100 रुपया शुल्क इसे यहाँ पे लिख देगा, उसके बाद लिख देगा पंजीयन प्रमाण पत्र, उसके बाद वो अपना साइन कर देगा, साइन करने के बाद आपको इसे ले करके जाना है कहाँ पे, तो वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको ठीक पूरब साइड आना है जहाँ मेन गेट आपको दिखाई देगा, और मेन गेट के जहाँ से मैंने ललित मिश्र का स्मृति दिखाया और उसी के साइड में आपको PNB का ATM मिल जाएगा, और ATM के साइड में जो है ऑनलाइन जितना भी रसीद काटा जाता है वो वहीं से काटा जाता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वहाँ पे आपको बहुत लोग दिखाई दे देगा, आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा तो आप लोगों को मैं बता ही दिया कि PNB का ATM रहेगा, ATM के साइड में आपको मिल जाएगा काउंटर रहेगा, उस काउंटर पे आपको क्या करना है अपना ये वाला डॉक्यूमेंट जमा कर देना है जो वेरिफिकेशन वाला है, और उस पर पैसा लिखा रहेगा कि इतना पैसा आपको लगेगा, तो जितना भी उस पर लिखा रहेगा उतना पैसा आप वहाँ पे जमा कर दीजिएगा, जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा, और रसीद मिलने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि इतने तारीख को या उतने दिनों के बाद आपको
आना है और कौन से डॉक्यूमेंट के लिए कितना दिन लगता है इसके बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लेने के लिए कितना दिन लगता है। तो यही जानकारी था आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों कोई भी चीज़ आपका गुम हो गया है तो आप इसी फॉर्म को भर के आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता है, यही फॉर्म होता है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।